नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज रुद्र कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि वैदिक काल का ये दूसरा भाग है, आप लोग के सामने मैं लेकर के आ रहा हूं। पहला भाग इसके पहले मैं अपलोड कर दिया था एक दिन पहले, और दूसरे भाग में मैंने वादा किया था पहले भाग में कि दूसरे भाग में जितने भी वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जो भी ग्रंथ हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो ऋग्वैदिक काल की शुरुआत होती है बाबू उपवेद, ऋग्वैदिक काल के ग्रंथों की शुरुआत होती है उपवेद से। उपवेद होते क्या हैं? तो आप लोग को मालूम होगा मित्रों कि ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद की रचना हुई थी, इस प्रकार पूरे वैदिक काल में जो हमारे चार वेद मिलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, आप लोग को मालूम होगा बाबू कि चारों वेदों के उपवेद होते हैं। इन चारों वेदों के उपवेद होते हैं, और वो उपवेद जो होते हैं बाबू वो विभिन्न ऋषियों और महर्षियों के द्वारा रचित किए गए हैं। जो चारों वेद हमारे थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के उपवेद होते हैं। तो जो हमारा ऋग्वेद का उपवेद होता है वो होता है आयुर्वेद। ध्यान दीजिए बाबू, जो हमारा ऋग्वेद का उपवेद होता है वो हमारा होता है, ऋग्वेद का जो हमारा उपवेद होता है वो होता है आयुर्वेद। और आयुर्वेद के जो रचना किए थे वो थे धन्वंतरी। आयुर्वेद के जो रचनाकार थे वो धन्वंतरी थे, ठीक है। और धन्वंतरी ने आयुर्वेद का रचना किया था। आयुर्वेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद है। और आयुर्वेद में क्या मिलता है? तो चिकित्सा संबंधी जो भी हमारे उपाय है, यानी चिकित्सा शास्त्र माना जाता है आयुर्वेद को, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। उसके बाद यजुर्वेद का जो उपवेद होता है वो होता है हमारा धनुर्वेद। जो यजुर्वेद का हमारा उपवेद होता है वो होता है धनुर्वेद। और धनुर्वेद का जो संबंध होता है युद्ध कला से होता है। धनुर्वेद का जो संबंध होता है वो युद्ध कला से होता है। और इसके जो रचयिता थे वो थे हमारे विश्वामित्र। धनुर्वेद के जो रचयिता थे वो थे हमारे विश्वामित्र, ठीक है। और सामवेद का जो संबंध होता है, सामवेद का जो उपवेद होता है वो होता है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद होता है बाबू, ध्यान दीजिए, सामवेद का जो उपवेद होता है वो हमारा गंधर्ववेद होता है, ठीक है। गंधर्ववेद होता है, और गंधर्ववेद के जो रचयिता थे वो हमारे थे भरत मुनि। गंधर्ववेद के जो रचयिता थे वो हमारे थे भरत मुनि। और गंधर्ववेद का जो संबंध होता है, गंधर्ववेद का जो संबंध होता है वो कला और संगीत से होता है। तो आपको मालूम होगा, ध्यान दीजिए, अथर्ववेद का जो हमारा उपवेद होता है, अथर्ववेद का जो हमारा उपवेद होता है वो होता है हमारा शिल्पवेद। अथर्ववेद का जो हमारा उपवेद होता है वो होता है शिल्पवेद। और शिल्पवेद के जो रचयिते थे, जो जगजाहिर है बाबू, शिल्पवेद यानी शिल्पकार, और शिल्पकार विश्वकर्मा को कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, ध्यान देते हैं भाई, आयुर्वेद के जो रचयिता थे वो हमारे थे कौन? तो वो हमारे थे आपके धन्वंतरी जी, ठीक है। और धनुर्वेद के जो रचयिता थे वो विश्वामित्र जी थे। और गंधर्ववेद के जो रचयिता थे वो भरत मुनि थे। और शिल्पवेद के जो रचयिता थे वो हमारे थे विश्वकर्मा जी। तो इस प्रकार हम देखते हैं, आज मैं इस वीडियो में ऐसे ही जो भी हमारे ऋग्वैदिक काल के और जो उत्तर वैदिक काल के जितने हमारे ग्रंथ हैं सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, और इनसे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उनको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को आज शुरू करने जा रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रुद्रा कंपटीशन को। यदि लगे आपको कि नहीं, हमको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में आप ज़रूर जवाब दें कि ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगे। अगर से हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगे तो इसे डिसलाइक भी करें, अगर जो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और अपने दोस्तों में और जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनमें शेयर करें। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। हम इस ऋग्वैदिक काल के दूसरे भाग को लेकर आए हैं, वैदिक काल के दूसरे भाग को लेकर आए हैं। पहले भाग में आपको मैंने बताया था कि वेद कितने होते हैं, वेदों के खंड बताया था, उसके बाद उनके जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनके बारे में आपको चर्चा किया था, आपसे चर्चा किया था। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है उपवेद, और उपवेद के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि उपवेद वेदों के हिसाब से कितने होते हैं, चार होते हैं। वेदों के हिसाब से जो उपवेदों की संख्या होती है वो चार होती है, ठीक है। आरण्यक ग्रंथ किसे कहा जाता है? आते हैं दूसरे टॉपिक पे, चलते हैं कि आरण्यक ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो आरण्यक शब्द का अर्थ होता है,
अरण्यक शब्द का जो अर्थ होता है, अरण्यक शब्द का अर्थ होता है बाबू जंगल। अरण्यक शब्द का जो ग्रंथ हो सॉरी अरण्यक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जंगल, यानी वह ग्रंथ जो जंगलों में लिखे जाते थे, वह ग्रंथ जो जंगलों में लिखे जाते थे, जो जंगलों में पढ़े जाते थे, उन्हें अरण्यक ग्रंथ कहते थे। वह ग्रंथ जो जंगलों में लिखे जाते थे और पढ़े जाते थे, उन्हें अरण्यक ग्रंथ कहा जाता था। ध्यान दीजिए बाबू, अरण्यक ग्रंथ कहा जाता था कि आत्मा और परमात्मा के बीच सेतु का कार्य करता था, यानी पुल का कार्य करता था, यानी हमारे मनुष्य जीवन को, यानी हमारे मनुष्य जीवन को परमात्मा यानी आत्मा हमारे शरीर को कैसे परमात्मा में मिलना है इसके लिए जो रास्ता दिखाने का कार्य करता था वो हमारा अरण्यक ग्रंथ करता था। तो अरण्यक ग्रंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, अरण्यक ग्रंथ का मतलब वह ग्रंथ होता है जो जंगलों में लिखा और पढ़ा जाता है, यानी लिखा भी जाएगा तो जंगल में और पढ़ा भी जाएगा तो जंगल में। अब बात आती है उपनिषद की, तो उपनिषद का अर्थ क्या होता? तो मित्रों उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठ कर ली गई जो शिक्षा होती है, गुरु के समीप बैठ कर जो ली गई शिक्षा होती है उसी शिक्षा उसी ज्ञान को उपनिषद कहा जाता है। और आप लोग को मालूम होगा कि उपनिषदों की जो संख्या होती है वो होती है 108, उपनिषदों की जो संख्या होती है वो होती है 108। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है और सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा पॉइंट है वो ये है बाबू, इसमें बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। एक तो हमारा प्रश्न यहां से ही बनता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, और दूसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते बाबू मंडूको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते मंडूको उपनिषद से लिया गया है। और आपको बता दें कि यम और नचिकेता की जो कहानी है, यम और नचिकेता की जो कहानी है वह उपनिषद से लिया गया है। और किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठो उपनिषद से लिया गया है। यम और नचिकेता की जो कहानी है वह कठो उपनिषद से लिया गया है। अगर जे आप पेन पेपर लिए हैं तो कहीं नोट कर सकते हैं इसे कि यम और नचिकेता की जो कहानी है, यम और नचिकेता, यम और नचिकेता की जो कहानी है हमारा उपनिषद से ही लिया गया। अब बात आती है उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, यानी वेदांत का मतलब वेदों का अंत, यानी कहा जाता है बाबू उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। तो आप इसे दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। अभी आपसे प्रश्न भी डायरेक्टली यहीं से, मान लीजिए आपके पास चार विकल्प है, दे देगा आपसे कि निम्नलिखित में से किसे वेदांत कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किसे वेदांत कहा जाता है, तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। अब बात आती है पुराण की, तो पुराण क्या होते हैं? तो पुराण बाबू, पुराण एक ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में आपको बता दें, आप लोग नाम भी सुने होंगे जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण आदि पुराणों के बारे में चर्चा किए हैं, जो एक विशेष देवताओं की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी उनकी दिनचर्या है, जो भी उनकी शक्तियां हैं, उनके बारे में जो ग्रंथ लिखे जाते थे उन्हें पुराण कहा जाता था। और पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 10 हटा दीजिए, पुराणों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। जैसे आप नाम सुने होंगे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण सबसे हमारा पुराना पुराण, सबसे प्राचीनतम पुराण पूछता है, तो आपको जवाब देना है कि सबसे जो हमारा प्राचीनतम पुराण है वो है हमारा मत्स्य पुराण। सबसे जो हमारा प्राचीनतम पुराण है वो है मत्स्य पुराण। और एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि किस पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है? तो आपको एकदम ऐसे ही ट्रिक लगा देना है कि मत्स्य पुराण में ही विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है। जैसे आते हैं बाबू, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार ये जो कुछ प्रमुख वेद थे, इसके बाद जो भी हमारे इसमें और भी जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसमें अब हम थोड़ा सा ऋग्वैदिक समाज जो था हमारा उस समय का, जो वैदिक समाज था, वैदिक समाज की स्थितियों के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारा वैदिक समाज जो था,
ऋग्वैदिक काल में किस स्थिति में था? तो आपको ज्ञात होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जब हम आपको बता रहे थे तो उसमें बताए थे आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमारी जो ऐसी सभ्यता थी वो विकसित सभ्यता थी, वहाँ कहीं भी जाति और धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, वहाँ किसी भी हमारे समाज में वर्गीकरण नहीं किया गया था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो विनाश के पश्चात जब आर्यों का आगमन हुआ और ऋग्वैदिक सभ्यता हमारी वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई, तो हमारे वैदिक सभ्यता में मानव समाज को चार वर्णों में बांट दिया गया था। और ये आपको बताए थे हम पिछले लेक्चर में कि यह जो चार वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है, चार वर्णों का जो उल्लेख प्राप्त होता है ऋग्वेद के दसवें मंडल में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के दसवें मंडल में पुरुष सूक्त में इन चार वर्णों का वर्णन प्राप्त होता है। तो आज थोड़ा सा इन पे चर्चा करेंगे, कोई ज्यादा विशेष नहीं है, सब लोग जानकारी रखते हैं इन चीजों का, फिर भी चूंकि चैप्टर हम सीरियल वाइज लेकर चल रहे हैं तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि ये चार वर्ण होते क्या थे। ध्यान दीजिए बाबू, जो हमारा पहला वर्ण होता था, हमारे समाज का जो सर्वश्रेष्ठ वर्ण होता था, वो हमारा वर्ण होता था ब्राह्मण वर्ण। ध्यान दीजिएगा, समाज का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्ण होता था, यानी जो सर्वश्रेष्ठ वर्ण होता था वो हमारा होता था ब्राह्मण। उसके बाद जो दूसरा होता था वो हमारा क्षत्रिय होता था, और तीसरा वैश्य, और चौथे शूद्र की बात आती थी। तो हमारा जो समाज था उस समय उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल में हमारा जो समाज था चार वर्गों में बांटा गया था। एक होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मण कौन होते थे? तो सबका कर्म के आधार पर जाति का वर्गीकरण किया गया था, इस वर्ण का वर्गीकरण किया गया था। ब्राह्मण का कार्य यह था कि वह समाज में पूजा अनुष्ठान शिक्षा का आदान प्रदान करना, यानी जो भी सर्वश्रेष्ठ कार्य थे वो ब्राह्मणों की जिम्मेदारी थी इन सर्वश्रेष्ठ कार्यों को करने की। यानी जो भी कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित जो भी क्रियाएं थी वो ब्राह्मणों के द्वारा की जाती थी। अब बात आती है क्षत्रिय वर्ग की, तो क्षत्रिय वर्ग के लोग का जो बात होता है, तो क्षत्रिय वर्ग को जमींदारी प्रथा, यानी कहा जाता था बाबू राजा के रूप में इन्हें नियुक्त किया जाता था, यानी किसी राज्य की शासन प्रशासन व्यवस्था की जिम्मेदारी जो संभालते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। किसी राज्य की शासन और सत्ता की जो जिम्मेदारी संभालते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। बात आती है वैश्य वर्ग की, तो वैश्य उन्हें कहा जाता था जो उस समय व्यापारी होते थे, जो वैश्यों के और सॉरी क्षत्रियों के और ब्राह्मणों के यहाँ जो वर्ण के लोग वहाँ उनका लेखन का क्रिया करते थे, यानी उनके खर्च और मतलब कहा जाता है कि आय और व्यय का देखरेख करते थे, बिजनेस और व्यापार करते थे, उनको वैश्य की श्रेणी में रखा जाता था। और सबसे जो निचला वर्ग था वो था शूद्र वर्ग। तो शूद्र वर्ग का भी कहा जाता है बाबू, इतिहास में कई जगह मिलता है कि शूद्र वर्ग का भी ऋग्वैदिक समाज में बहुत ही मतलब एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि तीनों वर्गों की जो सेवा है वो शूद्र वर्ग का व्यक्त करता था। तो इस प्रकार हमारा जो समाज है वह चार वर्गों में विभक्त था। कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कि ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति कहा जाता है बाबू कि ब्रह्मा के मस्तिष्क से हुई थी। ब्राह्मण वर्ग की जो उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मा के मस्तिष्क के हुई थी, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ वर्ग माना जाता है। और दूसरा कहा जाता है कि क्षत्रिय वर्ग की जो उत्पत्ति हुई थी और जो ब्रह्मा के सीने से हुई थी, इसीलिए इन्हें द्वितीय वर्ग का माना जाता है वर्ण। और तीसरा जो है वह वैश्य, इनके ब्रह्मा के उदर से इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इन्हें तृतीय वर्ग का जो माना जाता है वर्ग माना जाता है। और चौथे वर्ग शूद्र की जो उत्पत्ति हुई थी वो ब्रह्मा के निचले भाग से हुई थी, यानी धड़ से नीचे की तरफ हुई थी, पैर से हुई थी, इसीलिए इन्हें चतुर्थ वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो ऋग्वैदिक समाज था, पूरा हमारा जो ऋग्वैदिक समाज था चार वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है बाबू की मानव जीवन जो था, वर्तमान समय में जो मानव की औसत आय है 80, 75, 60, 65, 90, मैक्सिमम कोई 90 साल और 85 साल जी पा रहा है। तो पहले की जो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता थी उसमें मनुष्य के जीवन को आपके 100 वर्षों तक माना जाता था।
मनुष्य की जीवन को 100 वर्षों तक माना जाता था और पूरे मनु सॉरी पूरे मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष तक मान करके इसके 4 वर्ग किए गए थे, यानी पूरे हमारे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था कि कितने वर्षों तक हमको किस आश्रम में रहना है। एक नियमानुसार हमारी जिंदगी थी उस समय और किस प्रकार माना गया था, तो जो हमारा पहला वर्ग था, पहला आश्रम था, वो था हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम। जो पहला हमारा आश्रम था वो ब्रह्मचर्य आश्रम था, दूसरा जो हमारा आश्रम था वो गृहस्थ आश्रम था, और जो तीसरा आश्रम था वो वानप्रस्थ आश्रम था। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम था, और जो चौथा आश्रम था वो संन्यास आश्रम था। ठीक है, तो 4 वर्गों में, 4 आश्रमों में हमारे मानव जीवन को बांटा गया था। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा जो था संन्यास आश्रम था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम किसे कहते हैं, तो जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक का जो समय था उस समय मनुष्य को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना पड़ता था। यानी इसमें होता क्या था, तो जितने भी संस्कार हमारे हैं, जैसे 0 से लेकर 25 साल यानी जन्म से लेकर के और 25 साल तक मनुष्य ब्रह्मचर्य जीवन में रहता था, ब्रह्मचर्य आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करता था। और आपको बता दें कि यहां तक आपको मालूम होगा कि संस्कार अभी हम पढ़ाएंगे आपको अगले वीडियो में, तो 16 संस्कार होते हैं, यानी गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतुष्टि संस्कार तक 16 संस्कार होते थे। तो बता दें आपको बाबू कि 14 जो संस्कार होते थे, 14 संस्कार होते थे, 14 संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम में ही हो जाते थे। बाकी 2 संस्कार ऐसे जो थे, एक होता था आपका विवाह संस्कार और दूसरा जो होता था आपका अंतुष्टि संस्कार, ये बाकी इन आश्रमों में जाता था। ठीक है, तो 16 से हमारे जो 14 संस्कार थे वो सभी संस्कार हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो जाते थे। जैसे आपका चूड़ाकर्म संस्कार हो गया, उपनयन संस्कार होता था, आपका अनुप्राशन संस्कार होता था, नामकरण संस्कार होता था, तो जितने ये संस्कार थे सभी संस्कार आपके ब्रह्मचर्य आश्रम में हो जाते थे। बाकी जो संस्कार थे हमारे, एक जो विवाह संस्कार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेने से पहले, यानी हमारा जब ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होता था तो हमारा जो विवाह संस्कार होता था गृहस्थ आश्रम से प्रवेश लेने से पहले होता था। तो बाबू गृहस्थ आश्रम माना जाता है 25 से लेकर के 50 साल, 25 वर्ष से लेकर के और 50 वर्ष की जो उम्र में आपको क्या करना है, तो अपने घर की जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करता था मनुष्य। और जैसे ही वो 50 वर्ष का होता था, तो वन के लिए प्रस्थान कर लेता था और वह वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता था। और 75 का होने के बाद, यानी 50 से लेकर 75 साल तक वो वन में इधर उधर भटकता था, और 75 के होने के बाद वो एक जगह बैठकर समाधि लेता था और भगवान के तपस्या में वो लीन हो जाता था और इस प्रकार अपने शरीर को त्याग देता था। तो इस प्रकार ये जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे, अगले वीडियो में जो हम आपको बताएंगे कि संस्कार कितने होते हैं, उसके बाद ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, उसके बाद जो हमारे संस्कार हैं, यानी जो भी टॉपिक इस मतलब हमारे दूसरे भाग में छूट रहा है इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, और हो सकता है वो हमारा लास्ट भाग हो वैदिक काल का। तो आपको बता दें अभी ऋग्वैदिक काल में जो भी हमारे राज व्यवस्था थी, यानी ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार हमारा जन्म बनता था, जन से जनपद बना, कबीला से किस प्रकार हमारा सिस्टम बना, ये कुछ मैं इसके भाग आपको अभी बता रहा हूँ, कुछ अगले भाग में बताऊंगा। आते हैं ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था उस समय क्या थी। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो ऋग्वैदिक काल में जो हमारा कबीला होता था, ध्यान दीजिए, यानी एक प्रकार का राज्य होता था वो, और इसका जो मुखिया होता था उसे राजा कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो कबीला होता था, जिन्हें जिसे आज का हम राज्य कह सकते हैं, उसका जो मुखिया था वो राजा कहलाता था। और जब कई 20 मिलते थे, ध्यान दीजिए बाबू, जब कई 20 मिलते थे, अब ये 20 क्या है तो आगे आपको बताएंगे कि 20 क्या होता है, तो जब कई 20 मिलते थे, ठीक है, जब कई 20 मिलते थे तो एक कबीले का निर्माण होता था, और 20 का जो मुखिया होता था वो बृहस्पति कहलाता था।
20 का जो मुखिया था होता था उसे 20 पति कहा जाता था। और ये 20 क्या होता था, तो 20 होता था बाबू कई गांवों का समूह होता था, कई ग्रामों का समूह होता था। जब कई ग्राम मिलते थे तो 20 का निर्माण होता था और ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम का जो मुखिया होता था, गांव का जो मुखिया होता था उसे ग्रामणी कहा जाता था, ठीक है। और कई जब परिवार मिलते थे, ध्यान दीजिए बाबू, जब कई परिवार मिलते थे तो एक ग्राम का निर्माण होता था। जब कई परिवार मिलते थे तो एक ग्राम का निर्माण होता था और परिवार का जो मुखिया था उसे कुलप कहा जाता था। तो कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि बिस्पति कहा जाता था किसे या 20 क्या है, तो कई गांवों का जो समूह है 20 कहलाता था, ठीक है। कई गांवों का समूह जो है वो 20 कहलाता था, कई 20ों का समूह कबीला या राज्य कहलाता था जिसका मुखिया राजन कहा जाता था। उसके बाद कई परिवारों का जो समूह था ग्राम कहा जाता था और ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहा जाता था। कई परिवारों का जो समूह था ग्राम बनता था और परिवार का जो मुखिया था उसे कुलप कहा जाता था। तो इस ये कुछ इंपोर्टेंट तथ्य रहे। और आगे जो था सिस्टम हमारा, ध्यान दीजिए बाबू,